अगर खांसी की समस्या है, रेगुलर खांसी आ रही है, तो आप आंवले का, ड्राइड आंवले का पाउडर ले लो और इसका एक चुटकी या दो चुटकी आधा चम्मच शहद में मिक्स करके ना इसको आप दिन में 2 बार लो। यदि खांसी है कई दिन से, क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प करता है। श्वास की प्रॉब्लम जैसे आस्थमा की वेग हो रहे हैं तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। प्लस अगर तो नज़ला है, जैसे बलगम बन रही है और उसकी स्मेल आती है, तो उसको भी खत्म करने में अजवाइन का यूज़ है। इसको आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में, थोड़ा सा गर्म पानी के साथ लीजिए। अदरक या जिंजर सीजनल एलर्जीज में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसको ना आप लेकर थोड़ा ग्रेट करके पानी में डालो और बीच में ऐड करो थोड़ा लिकरस रूट, वो है मुलेठी, और थोड़ा दालचीनी डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, वो तो अच्छा है बिकॉज उसको थोड़ा पाउंड भी कर लो, डालो। थोड़ा तुलसी अगर मिल सकती है, तुलसी के पत्ते डालो, हल्के से पाउंड कर लो, और ये अच्छा रहता है गले के लिए। अजवाइन तक डाल सकते हैं, इसका आप चाय बनाइए, सुबह शाम ले सकते हैं इसको, और हेल्प करेगा आपको जो मौसमी एलर्जीज होती हैं मौसम बदलने पर, उसको रिलीव करने के लिए। आपको सूखी खांसी की समस्या है या वेट कफ है, रेशा या बलगम है खांसी में, तो आप मुलेठी से रिलीफ पा सकते हैं। मुलेठी आपने इसका पाउडर लेना है, इसको मिक्स करना है, आधा चम्मच ये ले लो, आधा चम्मच शहद ले लो, इनका मिक्सचर आपने दिन में 2 बार ले सकते हो सुबह शाम, आपको रिलीफ मिलेगा खांसी से।